दोस्तों आपने जी टीवी का पॉपुलर शो जमाई राजा तो देखा होगा। ये शो कम समय में ही सबका फेवरेट बन गया। इसके सभी किरदारों ने अपनी एक्टिंग बड़े अच्छे से निभाई और फेमस भी हो गए। लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, इनके लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं जो इन्हें काफी सपोर्ट करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 5, श्रुति उल्फत। इस सीरियल में श्रुति उल्फत ने सिमरन राज खुराना का किरदार निभाया, जो सिद्धार्थ खुराना की माँ होती है। इस सीरियल में अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनका नाम आलोक उल्फत है। इन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड से ही शादी की थी। शादी के बाद इन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम ओजस्य सोहम उल्फत रखा गया। इनके जन्म के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में मतभेद हो गया और आपसी सहमति से 2017 में तलाक ले लिया। आपको बता दें, इनके पति प्रोफेशन से एक्टर, डायरेक्टर, टीचर थे। नंबर 4, शाइनी दोषी। इस सीरियल में शाइनी दोषी ने माही करमवीर खुराना का कैरेक्टर निभाया। इस सीरियल में इन्होंने इस किरदार को काफी अच्छे से निभाया और इनके बाद कई सीरियल्स में काम किया, जिसमें सरोजनी बहू और लाल इश्क जैसे सीरियल शामिल है। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन इनका किसी से अफेयर चल रहा है, जिनका नाम मौसम पटेल है। ये पेशे से एक बिजनेसमैन है। इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है और जल्दी शादी करेंगे। नंबर 3, अंचित कौर। इस सीरियल में अंचित कौर ने दुर्गा देवी का किरदार निभाया, जो रोशनी की माँ होती है। ये अपनी बेटी रोशनी से बहुत प्यार करती है, इसलिए ये नहीं चाहती कि इनकी बेटी सिद्धार्थ राज खुराना से शादी करे। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो आपको बता दें इनकी महज 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई। शादी के बाद इन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम प्रीत रंजन है। लेकिन अफसोस के बाद इनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद इन्होंने मोहन कपूर को डेट किया, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहन कपूर के साथ 16 साल तक लिव इन में रही, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि अपनी पूरी लाइफ इनके साथ नहीं रह सकती, इनसे दूरियां बना ली। नंबर 2, रवि दुबे। इस शो में रवि दुबे ने सिद्धार्थ राज खुराना का किरदार निभाया, जो रोशनी के पति होते हैं। अगर बात करें इनकी रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सरगुन मेहता है, जिनसे इन्होंने 2013 में शादी की। आपको बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के सीरियल फुलवा से की थी, जिससे इन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद इन्होंने अपना रुख बड़े पर्दे की ओर कर लिया और कई फिल्मों में काम किया, जिनमें किस्मत, सुर्खी बिंदी, लव पंजाब, चंडीगढ़ अमृतसर जैसी फिल्में शामिल है। नंबर 1, निया शर्मा। इस सीरियल में निया शर्मा ने रोशनी सिद्धार्थ खुराना का किरदार निभाया, जो सिद्धार्थ खुराना की पत्नी होती है। दर्शक इन दोनों की लव केमिस्ट्री को बड़ा पसंद कर रहे थे। लेकिन बात करें इनकी रियल लाइफ पति की, तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। इनका अफेयर दो लोगों के साथ रह चुका है, जिनका नाम कुशाल टंडन और विनय जैन है। अगर बात करें कुशाल टंडन की, तो इनके को स्टार रह चुके हैं। इन दोनों ने सीरियल 1000ों में मेरी बहना है में साथ काम किया। इस सीरियल में काम करने के दौरान एक दूसरे को डेट करने लगे। कुछ दिन डेट करने के बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद इन्होंने विनय जैन के साथ रिलेशन रखा, वो भी एक टीवी एक्ट्रेस है। लेकिन अफसोस की बात, कुछ दिनों बाद इनसे भी इनका ब्रेकअप हो गया। वर्तमान में ये सिंगल हैं और काफी खुश है। तो दोस्तों, आपको जमाई राजा सीरियल में किस कलाकार का किरदार ज्यादा पसंद आया, उसका नाम हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।